हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर जो हम टॉपिक कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी का, उसमें हमने उसके बाद देखा था कि डिमांड पेजिंग, जहां पे हमने क्या देखा कि जो वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक होती है डिमांड पेजिंग की हेल्प से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन हमारे पास जो हमने लास्ट टॉपिक किया था पेज फॉल्ट, आज हम करेंगे कि बेसिकली जो हम वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसकी बेसिकली फंक्शनैलिटी या परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि क्या है हमारे पास। यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी देखेंगे, जिसका बेसिकली मतलब है कि भाई जब एक सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, देन वो जाता है पेज मैप टेबल के पास, देन वो सर्च करता है फिजिकल मेमोरी के अंदर वो फ्रेम, ठीक है। इन केस बिटवीन अगर पेज मैप टेबल में उसको वो पेज ना मिले तब कंसेप्ट आ जाता है पेज फोल्ड का। तो सारा मिला के हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली इफेक्टिवली हमें कितना टाइम लग रहा है मेमोरी को असेस करने में, उस पेज तक पहुँचने में, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया इफेक्टिव मेमोरी असेस टाइम, जो कि क्या होगी हमारी परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी को मापने का एक तरीका है। तो यहाँ पे पहले कुछ टर्म्स देख लेंगे कि क्या है, देन एक न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए, क्योंकि गेट के अंदर या यूजीसी के नेट के अंदर कई बार ये आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आगे जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी जो गेट में आया होगा उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली टर्म आती है एम, जिसको हम कहते हैं मेन मेमोरी असेस टाइम, भाई मेमोरी को असेस करने में क्या टाइम लग रहा है वो है एम। दूसरी आती है हमारे पास पी, जिसे हम कहते हैं पेज फॉल्ट रेट, भाई अब पेज फॉल्ट बेसिकली रेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई पेज फॉल्ट होने के कितने चांसेस, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे उसके हम मान के चलते हैं कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली पी ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है जीरो या लेस देन इक्वल टू वन। मतलब अगर मेरी वैल्यू जीरो की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है तो मतलब पेज फोल्ड कम हो रहा है, मतलब कि भाई पेजेस मिल रहे हैं, और अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वन की तरफ जा रही है तो मतलब पेज फोल्ड ज़्यादा हो रहे हैं, जो पेजेस की डिमांड की जा रही है वो फिजिकल मेमोरी में अभी डायरेक्टली नहीं मिल रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आती है टर्म एस, जिसका मतलब होता है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, जो पेज फॉल्ट अकर हुआ है उसको सर्विस, मतलब उसको हैंडल करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम कहते हैं एस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इनको मिला के एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेमोरी असेस टाइम, यानी ई एम ए टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला है पी इंटू में एस प्लस वन माइनस पी इंटू में एम। देखो ये कैसे आया, P हो गया पेज रेट और उसको सर्विस करने में जो टाइम लगा हमारे पास पेज फॉल्ट का टाइम आ गया। अब ये हो गया कि मेमोरी को असेस करने में कितना टाइम लगा, तो जो प्रोबेबिलिटी बची उसमें से 1 माइनस पी करके मल्टीप्लाई करेंगे हम एम के साथ, इसको कंबाइंड करके हमारे पास फॉर्मूला बनता है इफेक्टिव मेमोरी असेस टाइम, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन हमारे पास कि भाई इस क्वेश्चन को देखते ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है मेन मेमोरी असेस टाइम यानी कि एम, वो हमारे पास कितना है, एम इज्क्वल टू 100 माइक्रो सेकेंड, ठीक है जी। अब हमारे पास आता है पेज फॉल्ट रेट यानी कि पी, पी है हमारे पास 40%। भाई अब 40% को ऐसे तो लिख नहीं सकता, तो उसको एक डिजिट नॉर्मल डिजिट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, जो कि हमें गिवन है 4 मिली सेकेंड, याद रखना 4 मिली सेकेंड गिवन है हमें, यानी कि एस 4 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड हमारे पास कितने माइक्रो सेकेंड के इक्वल होता है, हमें उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो होता है 1000 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा मेरे पास 4 × 1000 माइक्रो सेकेंड, विच इज 4000 माइक्रो सेकेंड। जो चीज़ मुझे अब गिवन थी मैंने सारी लिख ली, जस्ट फॉर्मूले के अंदर चीज़ डालनी है, कुछ नहीं है। तो उसको देखो, अब पी क्या है मेरे पास 0.40 × में क्या आएगा एस, एस कितना है 4000 प्लस हमारे पास अब हम करेंगे 1 माइनस पी, 1 माइनस पी क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 0.4 माइनस में, विच इज इक्वल टू, ठीक है जी, 0.60। तो ये आ गया 0.60, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एम के साथ, एम कितना है 100 माइक्रो सेकेंड,
ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये हमें देगा 1600 प्लस में ये आ जाएगा 60, विच इज इक्वल टू 1600 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारे पास। बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई एक आधी टर्म आपको घुमा फिरा के दे सकते हैं तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये आंसर आएगा 1600 माइक्रो सेकेंड। ठीक, तो जल्दी से आगे एक आधी वीडियो में और देखेंगे गेट में, या जो हमारे पास नेट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हैंडल करेंगे, जो आपको उनकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अंदर मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो टारगेट रहेगा अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जहाँ पे हम काफ़ी एल्गोरिथम करने वाले हैं, फीफो ऑप्टिमल आएगा, देन LRU MFU, वहीं पर देखेंगे बेसिकली क्या क्या हमारे पास एल्गोरिथम है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।